आपका अपना प्लेटफॉर्म। हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त जसलीन मधानू, आपके मेरे हम सबके फेवरेट सिंगिंग शो से द सॉन्ग्स बैंक। सबसे पहले तो हमारे जजेस जो हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। पैमेला जी, विनोद जी, इस्माइल जी, कैसा लग रहा है आपको? आप लोग तैयार हैं? क्योंकि आप ही के कंटेस्टेंट्स, अभी टीम के कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं और तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। आप लोग एक्साइटेड हैं? तो चलिए शो शुरू करते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं एक बहुत ही स्वीट सी लड़की जिसका नाम है निधि शनॉय, और ये है इस्माइल जी की टीम से और ये आई है कर्नाटका से। कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुंज कुंज में भावले डोले, गुनगुन बोले आ, कुहू कुहू बोले कोयलिया। सज सिंगार ऋतु आए बसंती, कोई हो रसवंती सज सिंगार ऋतु आए बसंती, जैसे नार कोई हो रसवंती। सनी रम धनी सा गम गम धनी सा रिधनी धनी सा रिधनी सा रिधनी धनी नी धनी नी धनी मदद 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 गरे गम धनी सज सिंगार ऋतु आए बसंती, जैसे नार कोई हो रसवंती। डाली डाली कलियों को तितली ना चूमे, फूल फूल पंखड़िया गोले अमृत गोले, कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुहू कुहू बोले कोयलिया। काहे काहे घटा में बिजली चमके, काहे घटा में बिजली चमके, हो सकता है मेघराज ने बादलिया का शाम शाम मुख चूम लिया हो, सकता है मेघराज ने बादलिया का शाम शाम मुख चूम लिया हो। चोरी चोरी मन पंछी उड़े नैना जुड़े, कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुंज कुंज में भंवरे डोले, गुनगुन बोले कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुहू कुहू बोले कोयलिया। निधि शनॉय बेटा, काफी रियाज किया है, अच्छा लगा सुनकर, मेहनत की है तुमने। मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, बहुत लो स्केल उठाया तुमने, थोड़ा सा इसको ना, थोड़ा सा एक वन नोट ऊपर गाती ना तो और ब्राइट और अच्छा लगता था। चलिए वो तो बात की बात है सब, मगर आपने बहुत अच्छा गाया बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह की गायकी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपने मेहनत की है, बट बेटा और मेहनत करना,
लेकिन तुम अच्छा गा सकती हो, तुम एक अपना भविष्य बना सकती हो। अगर तुमने दिल लगाकर मेहनत की तो ये 11 लाख का इनाम भी तुम ले जा सकती हो। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। आ रहे हैं सभी के सामने बहुत ही प्यारी सी आवाज रमित कायल, जो अपनी आवाज से करेंगे सबको घायल। और ये आए हैं वेस्ट बंगाल से पैमेला जी की टीम से। आवाज तो मुझे बहुत प्यारी लगी, आई एम श्योर सबको बहुत अच्छी लगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? वाह रमित कायल, आप तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत बहुत खूबसूरत। तैयारी क्या है आपकी इस उम्र में? आप तैयारी दिखा रहे थे जावेद अली का ये जो गाना है, ये इतना डिफिकल्ट सॉन्ग है, आपने तो बस मन जीत लिया, हमारा दिल जीत लिया हम लोग सबका। तो मैं चाहूंगी कि आप इसी तरह से डटे रहिए, लगे रहिए और इसी तरह गाते रहिए। आई कैन सी यू वेरी फार इन दिस कॉम्पिटिशन। आइए सुनते हैं श्रेयसी पॉल चक्रवर्ती को, जो आई है वेस्ट बंगाल से विनोद जी की टीम से। सुना सुना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा आकर मुझे तुम थाम लो, मंजिल तेरी देखे रास्ता मुड़के जरा
मिलन फिर हो न हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो। बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा, ओ बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा। सुना सुना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा। बिछड़े भी हम जो कभी रास्तों में तो संग संग रहूंगे सदा, कदमों की आवाज सुन के चलूंगी तुम्हें ढूंढ लूंगी सदा। भूली मोहब्बत की ये खुशबुए है हवाओं में फैली हुई, छूकर मुझे आज महसूस कर लो वो यादें मेरी अनछुई। ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा श्रेयोशी पॉल। आपका गाना मैंने सुना और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने गाया है और सुर को बहुत आपने अच्छी तरीके से संभाला है और विदाउट एनी सपोर्ट आपने गाया है। रेंज भी आपने अच्छी लगी मुझे और आपका तरीका बहुत सुंदर है। इतना ही कहना चाहूँगा कि गाना थोड़ा कॉम्पैक्ट है, उस कॉम्पैक्ट तरीके से अगर आप गाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा आपके खुद के लिए, क्योंकि वो रिदम से बाहर निकल जाएगी कोई लाइन तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो पहली चार लाइन थोड़ी सी ड्रैग लगी मुझे, बाकी आपने एंड का पोर्शन बहुत अच्छे से संभाला। ऊंचा जो है रेंज अच्छी है आपकी और गले की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। गले की जो खटके मुर्की है वो भी बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपने गाया, मुझे अच्छा लगा आपका गाना। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।
अब नेक्स्ट बारी है इशिता मंडल की, जो कि आई है दिल्ली से और ये भी है इस्माइल जी की टीम से। इस्माइल जी आप तैयार हैं? आप ही की टीम से कंटेस्टेंट आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। ना कोई मंडल ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरा गाना है क्या कटी पतंग हो गया ये तो काय पूछे बेटा क्या कर रहे हो तुम लोग, यही तो उम्र है जिसमें सारी उमंगे जागती है सारी तरंगे जागती है,
सारी फीलिंग्स जाती है। जगाओ बेटा अपने आप को, जगाओ, ठीक है, घबराओ मत, जगाओ। बुलाते हैं श्रुतोष विनी डे को, जो है वेस्ट बंगाल से और है पैमेला जी की टीम से। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को गमों के हवाले। काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले। हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन। जिंदगानी की राहें अजब है, हो अकेला तो लाखों है दुश्मन। हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। श्रुतोष्विनी दे, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, वेरी स्वीट वॉइस, आपकी पिचिंग बहुत अच्छी है, पर आप जो ये गाना है ना, इसमें पूरी एक्टिंग है। मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी पार्टिसिपेंट्स के, कि जो आपके कैरेक्टर को सूट या मतलब सूट करे, या जो आप बेस्ट हो उसको करिए। यू आर वेरी गुड। आप एक आज मतलब एक लता जी का क्लासिकल नंबर लेती तो शायद बहुत अच्छा गाती। इसमें वो बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, ये संभलना, ये जो एक्टिंग है ये आपको दिखानी है इस गाने में। हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। जो एक एक ये डायलॉग फॉर्मेट है, मतलब डायलॉग हो रहा है, मतलब बाबूजी धीरे चलिए, ये प्यार को इजी मत समझिए, हाँ प्यार में बहुत धोखे, ये नहीं नजर आया मुझे। मैं व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज यू आर ए गुड सिंगर, तो आप ये एक्टिंग जब तक लाएंगे नहीं तब तक आप प्लेबैक के लायक नहीं बनेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आप सुरीली हैं, मीठी आवाज़ है, बहुत अच्छा गाते हैं। बुलाते हैं अमृता सिन्हा को, जो है आसाम से और विनोद जी की टीम से। सजना बरसे हैं क्यों अखिया, सजना बरसे हैं क्यों अखिया। सावन आए तुम ना आए,
जीना बरसे है क्यों अखियाँ बृष्टि तो मिथे को आज साखी है संग गान भाषीते कलो যত দুঃখ জন্মা খরের কোণে আজ জানি যা তুমি বলন্তরে এই মন কাঁদে হায় সজনা বরসে ক্যুঁ सजना बरसे है क्यों अखिया। थैंक यू विनोद जी, आपकी टीम के सिंगर्स जो है वो काफी कमाल कर रहे हैं, जो बाकी जजेस हैं वो देख रहे हैं। अमृता सिन्हा जी, आपका गला बहुत सुंदर है, आपने गाना भी बहुत अच्छा गाया, आपके सुर भी अच्छे लग रहे हैं। इतना ही थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि जहाँ ऊपर जाती हैं आप, थोड़ा सा वहाँ पर कुछ कहीं पर सुरों की मुझे कन्फ्यूजन लगी। तो जब आदमी थोड़ा कन्फ्यूज होकर गाता है तो सुर थोड़े से कम ज़्यादा लग जाते हैं, उस हिसाब से सेकेंड क्रॉस जो थी आपकी उसमें थोड़ा ऐसा लगा कि कहीं थोड़ा सा आप हल्का सा भटक रही हैं, बस उसको संभालिए। बाकी खट्टे मुर्के बहुत अच्छे लगे मुझे, और आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको सुनाया और एक सांप पकड़ के आपने गाया, इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ। एंड यही कहता हूँ कि हर बार अपने आप को मेंटली बहुत फ्रेश रखें, एंड जब भी कोई गाना गाएं तो उसको बिल्कुल 100% उसे परफॉर्म दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा मुझे आपका गाना। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है निर्विशेष साहू फ्रॉम ओडिशा, और ये भी है इस्माइल जी की टीम से। तेरी तेरी हर बात पे हम
प्यार करते हैं, ऐसा लम्हा हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। हमको जिसकी थी वो तलाश हो तुम, खुशबू सांसों की दिल की प्यास हो तुम, तेरे आशिक तेरे दीवाने हैं, सारी दुनिया बेगाने हैं। जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं, जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार करते हैं, ऐसा ना हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा ना हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। निर्विशेष साहू हो क्या बोलूं यार, मैं कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कहूं आप लोगों को। कितना खूबसूरत गाना है नदीम शवन का, ये मेरा फेवरेट गाना है, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। बेटा बात वही आती है, गाना समझना और समझ कर गाना वो बहुत जरूरी होता है। देखो एक आइडिया आज आपको बताता हूं, इसको ध्यान से सुनो। आप क्या करो, जब हमारे सामने आने से पहले है ना, खुद का ऑडिशन खुद लो। अपने मम्मी पापा को बिठाओ या मिरर में सामने खड़े होके गाओ और अपने कान को इतना तेज बनाओ कि आपको समझ में आए मैं सही हूं या गलत। जब आप वो चीज समझ जाओगी ना, तो फिर रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। बार बार मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, अच्छा भी नहीं लगता है मुझे, लेकिन जब तक आप गाने को समझ के नहीं गाओगे तो गाना कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। ऑल द बेस्ट, मेहनत करो बेटा, मेहनत। चलिए सुनते हैं ज्योति कुमारी को, जो कि है झारखंड से, पैमला जी की टीम से। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन है, एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है।
तुम्हारी आप पूरे गाने को पता नहीं आपने ट्यून चेंज कर दी या आपने क्या मूड से गाया. द सॉन्ग इज सो डिफरेंट. एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है. जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है. ये इतना फिलोसॉफिकल सॉन्ग आप तो ऐसे गा रही थी. प्लीज आई एम सो सॉरी. आप या तो आपका सिलेक्शन गलत था, आपको इस तरह के गाने सूट नहीं करते. देखिए आपके पिच पे ही मैंने गाया. बट स्केल इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट आप यू वर वेरी रॉन्ग इन दिस सॉन्ग. आई डोंट थिंक यू कैन गो अहेड इन दिस राउंड. विनोद जी की टीम से नेक्स्ट कंटेस्टेंट खुशी पाठक जो है बिहार से. रही ना रही हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में. रही ना रही हम मौसम कोई हो इस चमन में रंग बनके रहेंगे हम किरामा. चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ी की खिजाओं या पहाड़ों यूं ही झूमते यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा रही ना रही हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में. खोए हमें से क्या है मिलना क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको. खोजे में दिल के जब से आए सिर्फ दिल की जमी है याद हमको. इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में. रही ना रही हम जब हम न होंगे जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते अश्कों से भीगे चांदनी में एक सदा सी सुनोगे चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में. रही ना रही हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में. रही ना रही हम. विनोद जी बहुत ही प्यारी आवाज है और ये आप ही की टीम से है. क्या कहना चाहते हैं आप? खुशी पाठक जी आपने गाना बहुत अच्छा चुना है लेकिन मुझे ये थोड़ा कहने में थोड़ा सा तकलीफ मुझे हो रही है. सुनने में भी तकलीफ हो रही है क्योंकि गाने का थोड़ा पोस्टमार्टम किया है ऐसा लग रहा है मुझे. मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि गाना बहुत ही बचपन से हम लोग ये सुनते आए हैं. मीठा मीठा गाना है मेलोडियस गाना है. इसको और मीठे तरीके से गाते हैं आप तो मुझे और अच्छा लगता. ये ज़रा आपने तड़का लगा दिया. तड़के वाला गाना हो तो बात अलग है कि थोड़ी इसमें रोमांस बिल्कुल भी नहीं दिखा. सुर में भी थोड़ा सा मामला आगे पीछे हुआ. वर्ड में भी थोड़ी सी तकलीफ हो रही है आपको गाने में. इतना ही है कि आपने जितना गाया बेधड़क गाया वो बात और है लेकिन थोड़ा सा संभाल के और कंट्रोल में होगा तो मुझे बहुत
अच्छा लगेगा अगली बार सुनने में अगर आपको मौका मिलता है तो। इस्माइल जी की टीम से जिनिया चैटर्जी आ रही है जो कि है महाराष्ट्र से। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले तो जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। कहो बुझे के जले हम अपनी राह चले या तुम्हारी राह चले, कहो बुझे के जले बुझे तो ऐसे के जैसे किसी गरीब का दिल, किसी गरीब का दिल जले तो ऐसे के जैसे चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के राग जलते हैं, ये खोई खोई नजर कभी तो होगी इधर या सदा रहेगी उधर, ये खोई खोई नजर उधर तो एक सुलगता हुआ है वीराना, है एक वीराना, मगर इधर तो बहारों में बाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो अश्क पी भी लिए जो होठ सी भी लिए दो सितम ये किस पे किए, जो अश्क पी भी लिए कुछ आज अपनी सुनाओ, कुछ आज मेरी सुनो, कुछ आज मेरी सुनो, खामोशियों से तो दिल और दिमाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। इस्माइल जी आप ही की टीम से हैं, जरा आप ही कमेंट करके बताइए कैसे हैं। जिनिया चटर्जी, जिनिया मुझे एक चीज आपकी सबसे अच्छी क्या लगी बताऊं मैं आपको, जब आपने गाना शुरू किया शायद आपने एक हाथ मारा तबले के ट्रैक को ऑन करने के लिए, वो बड़ा टाइमिंग बड़ा सही था आपका, वेरी गुड। मैं ऐसा अंदाजा लगा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम आपने किस पे हाथ लगाया लेकिन उसके उसी वक्त तबला स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा शायद वो तबले का ट्रैक आपने ऑन किया होगा, वो टाइमिंग आपका बहुत अच्छा लगा। रही बात गाने की, जो बात है बहुत लो स्केल है गाने के अंदर, थोड़ा सा आपको
वही बार बार डूबने की बात करूंगा तो आप बोलोगे कि डूबना क्या होता है, हम तो तैरने आए हुए और आप बार बार डूबने की बात कर रहे हो। डूबने का मतलब ये है कि उसकी गहराई को समझो गाने की, है ना। इतना खूबसूरत गाना आपने चुना, इस बात की खुशी है कि आप लोगों को इस अच्छा गाना क्या होता है उसकी समझ है आप लोगों को। जब अच्छा गाना चुना है तो फिर उसको अच्छा गाना भी पड़ेगा, है ना। बस मेरी रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा मेहनत कीजिए, बाकी सब सही हो जाएगा। देखिए, आप लोग ये सोचते होंगे कि हम भी तो किसी के फैन होंगे। 100% हम भी अपने बहुत सारे लोगों से सीखे हैं और बहुत सारे लोगों के फैन हैं हम लोग। उसमें मैं सबसे बड़ा फैन किसका हूँ आपको पता है? आप सोच भी नहीं सकते हो, पर मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ। मैं इस्माइल दरबार का बहुत बड़ा फैन हूँ। गजब है, कमाल है। एक्चुअली मैं सबसे बड़ा फैन हूँ मदन मोहन जी का, जिनकी कंपोजिशन मेरे दिल को बहुत छूती है। मैं फैन हूँ नौशाद साहब का, जिन्होंने कमर्शियली क्लासिकल को बहुत अच्छा जेल किया है हमारी फिल्म के लिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छा स्टाइल लेके आए थे नौशाद साहब। तो ये दो म्यूजिक डायरेक्टर बहुत गजब के थे उस पर पुराने जमाने। फिर नए जमाने के लोग आए तो उस वक्त लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मिलो, क्या काम किया उन लोगों ने, मतलब सोच के बाहर। पंचमदा आडी बर्मन जिसको, बहुत गजब काम किया उन्होंने। यहाँ तक कि बप्पी दा ने भी बहुत अच्छा काम किया शुरुआत में, बाद में वो झोपड़ी के चार पाए और आइसक्रीम खाओगी तो मजबूरी में करना पड़ा होगा उनको, लेकिन शुरुआत में उन्होंने भी अच्छा काम किया। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे कंपोजर भी आए, जयदेव जी, सलील चौधरी साहब, हृदयनाथ मंगेशकर, मतलब तूफानी कंपोजर है हृदयनाथ मंगेशकर। आप सुनिए उनकी कंपोजिशन और जिस तरह उन्होंने अपनी बहन लता जी को गवाया है, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि ये कैसे किया होगा। मैं उस वक्त क्यों नहीं पैदा हुआ जिस वक्त लता जी उतनी जवान थी, मैं थोड़ा लेट हो गया एक्चुअली। मेरे नसीब में ना लता जी है, ना रफ़ी साहब है, ना किशोरदा है, क्योंकि मैं इन तीन सिंगरों को बहुत मिस करता हूँ अपनी कंपोजिशन में। अगर ये लोग होते तो मैं सच कह रहा हूँ बात कुछ और ही होती। फिर बहुत अरसे के बाद, बहुत ज़माने के बाद एक अच्छा सिंगर आया जिसका नाम है अरिजीत सिंह, जो आज चल रहा है। एक वो मुझे लड़का पसंद है, वो अच्छा गाता है, इसमें बात है। तो मैं यहाँ तक कि मैं अरिजीत नया है तो उससे भी मैं सीखता हूँ, उसके गाने भी सुनता हूँ तो मैं सीखता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप हमको जो अच्छा है ना उसको अच्छा बोलने में कभी घबराना नहीं चाहिए। हालांकि सोनू निगम ने भी बहुत खूबसूरत काम किया हमारी इंडस्ट्री में, मेरे ही अपने गाने उसने बहुत अच्छे गाए, इतने लाजवाब गाने गाए। और मेरे कुछ आने वाले गाने हैं वो तो सोनू ने इतने अच्छे गाए कि आप खुद परेशान हो जाओगे, यार ये सोनू निगम है। तो इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स है हमारे यहाँ, इतनी सोनू इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, अरिजीत सिंह इतनी मेहनत करके पहुँचा है। तो मैं तो एक्चुअली अपने आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अच्छा काम किसी का भी हो आप उसके फैन हो जाओ, फिर उस वक्त आपके अंदर ये ईगो नहीं होना चाहिए कि ये लौंडा अभी नया आया है मैं इसका फ़ैन क्यों रहूँ, ये म्यूजिक डायरेक्टर अभी नया आया है मैं इसका फ़ैन क्यों हूँ। इसलिए मैंने इंटरव्यू में सबसे पहले ये बोला, मैं सबसे बड़ा फ़ैन इस्माइल दरबार का हूँ। यार जो भी है, मैंने जो भी काम किया अपने टर्म्स कंडीशन पे किया और ऑनेस्टी से किया, और जो यहाँ से निकला है वही लोगों तक पहुँचाया है। तो यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। आप ये नहीं सोचना कि मैं अपनी तारीफ अपने मुँह से ही कर रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए आपसे, बट एक बात निकली है तो मैं बात कर रहा हूँ। मुझे अपना नाम लेने के लिए शर्म नहीं आना चाहिए। जब आपको अपना नाम लेने में शर्म आ जाए ना कि ये काम मैंने किया है, तो समझ जाना आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। तो अच्छे लोगों को सुनते रहो, जिस तरह मैं अच्छे लोगों को सुन के यहाँ तक पहुँचा हूँ, इस तरह आप लोग भी अच्छे लोगों को सुनो, देखो आप लोग भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है।
तो सुन के बहुत खुश हो गई और हर बार जब मैं सबको सुनती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा तो दिन बन गया भाई। अब मिलते हैं अगली बार हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जब वापस सब मिलेंगे और इसी तरह से सब गाएंगे, कुछ कमेंट्स सुनेंगे, कुछ चीजें होंगी, मस्ती होगी, मजाक होगा और होगी गायकी। मिलते हैं बहुत जल्दी।